Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are going to learn the direct and indirect speech. You will learn how to change the indirect speech of exclamatory sentence. It is very easy to change into indirect speech when you get to learn the rules and principles of changing. So let's learn direct or indirect speech. Mein hum aaj exclamatory sentence sikhne ja rahe hain और ये वीडियो नंबर 7 है और इससे पहले की वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो जरूर देखिएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर कमांड हासिल कीजिएगा। इसमें हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हाउ या व्हाट से शुरू होता है वो चेंज करना सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हाउ या व्हाट से नहीं शुरू होते हैं वो चेंज करना सीखेंगे, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विशिंग होता है यानी मुबारकबाद भी होती है, कांग्रेचुलेशन होता है, दुआएं दी जाती है, तो ऐसे जुमलों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करें ये सब आज हम सीखने जा रहे हैं। हर पहलू पर नजर की जाएगी, इसलिए जरूर समझिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं। पहला रिप्लाई है, द टीचर्स सेड व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय यू आर। टीचर ने कहा है कि आप कितने अकलमंद बच्चे हो, आप कितने होशियार लड़के हो। तो अब हमारी नजर सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के जुमले पर पड़ना चाहिए ताकि उसकी जुमले की किस्म पहचान सके। किस्म पहचानने के बाद किस्म के हिसाब से तब्दील करेंगे, क्योंकि अलग अलग कानून अलग अलग किस्मों में अदा किए जाते हैं। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कानून क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील होता है सेड की बजाय एक्सक्लेम्ड में तब्दील होगा। The teacher exclaimed, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू वो एक्सक्लेम्ड में तब्दील होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैश इस्तेमाल करें। यहां तक तो आपके समझ में आ गया। अब जो रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव बनाएंगे दिमाग में, जैसे कि व्हाट आर ब्रिलियंट बॉय यू आर, तो उसका असर्टिव होगा यू आर अ वेरी ब्रिलियंट बॉय। आप देखिए यू तब्दील होगा ही में, आर वाज में, वाट और हाउ निकलेंगे तो वेरी का इस्तेमाल करें, वेरी ब्रिलियंट बॉय, आखिर में फुल स्टॉप लगाएं। अब दूसरा जुमला हमारा है जो हाउ या व्हाट से नहीं शुरू होता है, तो फिर उसको कैसा पहचानेंगे कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बहुत इजी है, क्योंकि उसके अंदर इंटरजेक्शन होंगे, जैसे कि अलास, हुर्रा, ओ माय गॉड, माय गॉड, इस तरह के जुमले होंगे और उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन होगा, तो ये जुमले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही समझे जाएंगे। तो वही कानून अप्लाई करेंगे। अब अलास के मायने होते हैं अफसोस, क्या होते हैं, जहां पर भी आप अलास नजर आया तो उसके लिए आप कर सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड सैडली। अलास नजर आया तो आप एक्सक्लेम्ड के बाद सैडली लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, एक्सक्लेम्ड काफी है।
He exclaimed sadly that I he के लिए इस्तेमाल हुआ है. He was एम वाज में तब्दील होगा अंडन. I am अंडन का मतलब होता है मैं तो बर्बाद हो गया. अफसोस मैं तो बर्बाद हुआ. तो उसने ताज्जुब से कहा था मायूसी से कि वो तो बर्बाद हो गया. अब तीसरा जुमला हमारा हाउ से शुरू होता है. मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम द हाउ और व्हाट. क्या हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट कानून अपनाया करेगी. द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट आई कौन है लड़की है तो शी में तब्दील होगा. She was very clever. आसन में फुल स्टॉप है ना. आसन बहुत आसान है तब्दील करना. सैड की बजाय एक्सक्लेम्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह डेड असर्टिव बनाकर जुमले को टेंस का ख्याल रखते हुए प्रोनाउन की तब्दीली करेंगे और जुमले को मुकम्मल करेंगे. तो चलो और एक एग्जांपल देता हूं आपको जो बहुत पसंद आएंगे. देखिए हम ये तीन जुमले हल करेंगे. बहुत आसान है. व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर ही एंग्रीली रिमार्क. अगर सैड की बजाय कोई और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आता है तो हमें उसे चेंज नहीं करना है. इसलिए ये एग्जांपल दी गई है. तो जुमला शुरू करेंगे. He angrily remarked, comma inverted comma की जगह डेट लगाएंगे. फिर इसको assertive बनाएंगे. What a stupid fellow you are. तो you तब्दील होगा he में. Are was में. He was a वेरी स्टूपिड फेलो. हाउ इजी इट इज. अब यहां पर सैड है तो एक्सक्लेम्ड में तब्दील करेगी. शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी इजी. अब इसमें इस जुमले में ना हाउ है और ना व्हाट है लेकिन माय गॉड जाहिर करता है कि ये अफसोस का जुमला है. इसलिए ही एक्सक्लेम्ड सैडली. ही एक्सक्लेम्ड sadly that he was ruined. मैं तो बर्बाद हो गया. तो उम्मीद है आपके पूरी तरह समझ में आ चुका हूंगा. अब हम वो जुमलों को देखेंगे जिसमें मुबारकबाद दी जाती है विशिंग की जाती है. चलो देखते हैं उन जुमलों को. उन जुमलों को देखेंगे जिसमें शुक्रिया अदा किया जाता है मुबारकबाद दी जाती है दुआएं दी जाती है. वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो उनका इनडायरेक्ट इस तरह बनाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए इन जुमलों को किस तरह हल करेंगे. बहुत ही आसान है. ही सेड थैंक यू. तो इसको इस तरह हल करेंगे. ही थैंक्ड मी. He thanked me. यहां शुक्रिया अदा हो गया तो पास्ट टेंस में थैंक यू डाल देंगे. He said good luck. अब good luck कहा है एक विश किया है तो क्या हो जाएगा. He wished me luck. He wished me luck. अब देखिए इसके अंदर मुबारकबाद दी
तो डायरेक्ट लिखते हैं ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही सेड हैप्पी ईद, कोई भी त्यौहार आ सकता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद एक्सेट्रा, तो ये विशिंग सेंटेंस है, तो उसके अंदर लिखेंगे ही विश्ड मी अ हैप्पी ईद। तो देखिए इस तरह से विशिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन सेंटेंस को हल करते हैं, उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। अब जो मैं आपको वर्क दे रहा हूं उन सेंटेंस को आपको हल करके बताना है, ताकि आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया नहीं ये जरूर बताइएगा। तो मैं जो जुमले दे रहा हूं अभी आपको वो कमेंट बॉक्स में हल करके जरूर बताइए। देखिए जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह बनाते हैं आप समझ चुके हैं, तो उन्हीं की बेसिस पर जो मैंने आपको समझाया हूं उसी पर ये जुमले आपको पूछ रहा हूं कि आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जुमले है आपको जरूर हल करना है, चलिए देखते हैं। द स्टूडेंट सेड हाउ डिफिकल्ट इट इज, द मैन सेड व्हाट अ ब्रेव मैन ही इज, ही सेड ब्रावो You have done well. The girl said, "How lucky I am." The friend said, "Happy birthday." तो इसमें मैंने आपको हर किस्म के जुमले दे चुका हूं, यानी कि बगैर व्हाट की भी, बगैर हाउ की भी, और विशिंग सेंटेंस भी और कॉन्ग्रेचुलेशन सेंटेंस भी। तो आप हर तरह के जुमले हल करने के काबिल हुए या नहीं तो जरूर कमेंट बॉक्स में इनको हल करके बताइएगा। इसी तरह के और भी पहलू डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अभी बाकी है जो हमें अगले वीडियो में बताना है, तो जरूर आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को भी देखते रहिए। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, करियर गाइडेंस, एजुकेशन, ग्रामर और स्पीकिंग टिप्स सारी इसी चैनल पर मिलेंगे आपको। तो चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।